भारत में कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस हो गए हैं और 723 लोगों की मौत हो गई है। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन को एक महीना हो गया है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार रुक नहीं रही। इसकी एक वजह यह भी है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। तमिलनाडु पुलिस ने लॉकडाउन का पालन ना करने वालों से निपटने के लिए एक अनोखा वीडियो बनाया है। तमिलनाडु पुलिस ने स्थानीयों के साथ मिलकर बनाया यह वीडियो, शेयर भी किया है। वीडियो देखकर कई लोग हंसते हंसते पेट पकड़ सकते हैं। तमिलनाडु की पुलिस ने एक फॉर्मूला निकाला है, आप तमिलनाडु पुलिस का यह फॉर्मूला देखिए और लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कीजिए। तमिलनाडु पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से निपटने का एक अनोखा तरीका ढूंढा है। तमिलनाडु के त्रिपुरा जिले की पुलिस ने एक्टर्स के साथ एक फनी वीडियो बनाया है, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते स्थानीय एक्टर्स को पुलिस नकली कोरोना वायरस मरीज के साथ बंद कर रही है। दरअसल पुलिस के इस इनएक्ट किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि तमिलनाडु के त्रिपुरा जिले में जो लोग लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें पुलिस द्वारा एक नकली कोरोना वायरस मरीज के साथ पास खड़ी एक एम्बुलेंस में सजा के तौर पर बंद किया जा रहा है। पुलिस ने अपने इस उपाय का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक्टिंग करते स्थानियों को एम्बुलेंस में ना रखे जाने के लिए भागते हुए देखा जा सकता है। पुलिस इन स्थानीय एक्टर्स को पकड़ पकड़ कर एम्बुलेंस में डालते हुए देख सकते हैं। इस दौरान वीडियोस के बैकड्रॉप में एक फनी म्यूजिक भी सुना जा सकता है। अंततः जब पुलिस सभी स्थानीय एक्टर्स को एम्बुलेंस में झूठे कोरोना मरीजों के साथ बंद करने में कामयाब हो जाती है, तो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले झूठे मरीज से डरते हुए एक्टर्स को एम्बुलेंस की खिड़कियों से कूदकर भागते हुए भी दिखाते हैं। टाइम लैप्स इफेक्ट से बनाया गया यह वीडियो देखने में बेहद मजाकिया लग रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए तमिलनाडु पुलिस के लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से निपटने के इस तरीके की बहुत तारीफ भी की है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने वीडियो की आलोचना की है और कहा है कि इस तरह से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से निपटने के दौरान पुलिस ने स्वयं ही सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि वीडियो को लेकर जब पुलिस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए थे। यहां आपको बता दें कि तमिलनाडु में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1683 मामले सामने आ चुके हैं, साथ ही 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 752 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु में कोविड-19 स्थिति का जायजा लेने के लिए 4 नए अंतर मंत्रालय दलों को भेजा है। अतिरिक्त सचिव स्तर से अधिकारियों के नेतृत्व में गए ये दल अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.